यू आर वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आज का जो टॉपिक हमारा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यह बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक तो है ही, फॉर सीनियर सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको, स्ट्रेस होता क्या है ये देखें। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इमीडिएट डिफॉर्म नहीं होता है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप अप्लाई करते हैं इट विल कंप्रेस्ड बट अप टू सम एक्सटेंट, दैट मीन्स देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और इसी को मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, दैट मीन्स की लोड पर यूनिट एरिया एंड इट इज इंडिकेटेड बाई सिग्मा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। द बार डिफॉर्म्स, दैट मीन्स अंडरगोज चेंज इन लेंथ एंड दिस डिफॉर्मेशन डिपेंड्स द एक्सटर्नल लोड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिफॉर्म, व्हाइल ए टेंसाइल फोर्स विल इलोंगेट द मटेरियल एंड कंप्रेसिव फोर्स विल शॉर्टन द मटेरियल। दैट मीन्स कि टेंसाइल में स्ट्रेंथ आउटर साइड लगेगा, दैट मीन्स कि लेंथ इंक्रीज होगा, और कंप्रेसिव में टेंसाइल स्ट्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द ओरिजिनल एरिया बिफोर द लोडिंग। दिस इज द सिंपल टेंशन किसी बार पे या किसी रॉड पे जब आप लगाते हैं, किसी केबल पे लगाते हैं तो इट विल डिफॉर्म। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कहीं भी फोर्स के परपेंडिकुलर जब इसको कट करेंगे तो वट एवर सेक्शन यू विल ऑब्टेन दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। द डिफॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन साइड द मटेरियल, दैट मीन्स कि फोर्स जो आपने अप्लाई किया, फोर्स बेसिकली एक्सटर्नल फेनोमेना है जबकि स्ट्रेस इंटरनल फेनोमेना है। एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस विल रेजिस्ट, स्ट्रेस विल डेवलप इंटरनली एंड दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यदि स्ट्रेंथ मटेरियल की ज़्यादा है तो यू विल नीड मोर फोर्स, यदि कम है तो कम फोर्स में इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द सिंपल कंप्रेशन, टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ आर इक्विवेलेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे सिग्मा शियरिंग लोड, दिस इज द हाउ शियर टेक प्लेस जब दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर है और ये देखिए रिवेट है, ठीक है ना, दैट इज द सिंगल शियर। यदि यहाँ पे दो तीन लगा देंगे तो डबल सीयर हो जाएगा, दैट इज कि लेयर टू लेयर डिफॉर्मेशन जब होता है दैट इज कॉल्ड सीयरिंग, या यहां भी देखिए लेयर टू लेयर डिफॉर्मेशन। सीयर स्ट्रेस इज अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया बट ये जो एरिया होता है दैट इज द सीयर एरिया। यहां पे आप देख रहे होंगे दैट इज द अपर सरफेस एरिया इज सीयर एरिया, जहां पे फोर्स लग रहा है तो सीयर में फोर्स हमेशा अपर सरफेस पे लगता है और इंटरनली यह शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। टोर्सन इक्वेशन में भी, या टोर्सन कोई शाफ्ट को आप ट्विस्ट करेंगे तो दैट मीन्स ये बेंडिंग ट्विस्ट और ये शियर फोर्स जनरेट होगा, तो इसको डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेस, दैट मीन्स शियर फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट शियर एरिया लगेगा। स्ट्रेन बेसिकली जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप देखिए देयर इज ए चेंज इन द लेंथ, दिस चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो जब आप यहाँ लगा रहे हैं फोर्स तो देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली यहाँ भी डिफॉर्मेशन हुआ और यहाँ भी डिफॉर्मेशन हुआ, ये जो ब्लैक कलर है दैट इज दैट आउटलाइन इज द ओरिजिनल वन। यहाँ पे आप देखिए लीनियर स्ट्रेन जब देखेंगे तो डेल्टा अपॉन एल नट, डेल्टा दैट मीन्स चेंज इन द लेंथ एंड एल नट इज द ओरिजिनल लेंथ। अब आप ध्यान दें कि यदि लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो विड्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। दैट मीन्स इट चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। सिमिलरली इट मे बी फॉर द शियर स्ट्रेस, यहाँ देखिए शियर स्ट्रेस जब आप यहाँ फोर्स लगाएंगे
यहाँ फोर्स लगाएंगे, इट विल डिफॉर्म लाइक दिस वन, डायगोनली ये डिफॉर्म होगा। तो ये जो थीटा है, दैट थीटा इज डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेन एंड इट इज डेल्टा एक्स अपॉन वाई, दैट इज द शियर स्ट्रेन एंड इट इज इंडिकेटेड बाई टेन थीटा। स्ट्रेन इज द यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ, हेंस इट इज ए डायमेंशन लेस। आइजन रेशियो अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे आपका लीनियर स्ट्रेन एंड दिस इज द लेटरल स्ट्रेन, तो बेसिकली रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। जनरली इसका वैल्यू 1 से कम होता है, तो दिस इज द फॉर मेटल सिरामिक्स का 0.25 तक हो सकता है। अगेन इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यदि म्यू का न्यू पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो डेंसिटी इंक्रीज होता है, 0.5 से कम हो तो डेंसिटी। जब भी किसी मेटल पे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो देयर इज टू रीजियन, वन इज द इलास्टिक रीजियन एंड अदर इज प्लास्टिक रीजियन। जब आप फोर्स लगाते हैं तो सिंस बॉडी इज इलास्टिक, तो आफ्टर सम एक्सटेंट इट विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यदि आप फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक रीजियन। और यदि वह अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा भी यदि डिफॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दिस रीजियन इज प्लास्टिक रीजियन। तो जिस लिमिट तक आप फोर्स लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल शेप अपना रिगेन कर ले, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ए लिमिट अप टू विच द मटेरियल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। उसके बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है अप टू सम एक्सटेंट, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मटेरियल दैट कैन रेजिस्ट अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, आफ्टर दैट इट विल गोज इन फ्रैक्चर एंड मटेरियल विल गेट फेल्योर। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज कैसे हम निकालते हैं, देयर इज ए लॉ कॉल्ड हुक्स लॉ, दैट मीन्स कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे देयर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसी तरह से शियर स्ट्रेस के लिए भी आएगा जो हम लोग 1/1 देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, स्ट्रेस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा, अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में मेगा पास्कल लिखते हैं या गीगा पास्कल लिखते हैं। मेगा पास्कल 10^6 पास्कल हो जाएगा, गीगा 10^9 पास्कल हो जाएगा। इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जब शियर स्ट्रेस लग रहा हो तो शियर स्ट्रेस दैट मीन्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अगेन शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगेन नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दैट मीन्स कि यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है दोनों तरफ लग रहा है और लेंथ और विड्थ दोनों डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि देयर इज चेंज इन लेंथ, इक्वली लेंथ और विड्थ दोनों इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। सिमिलरली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन लिखे थे, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को सिग्मा अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये नीचे है तो एल कहाँ ऊपर चले गया, तो पी एल अपॉन ए डेल्टा। उसी तरह से शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, पी एल अपॉन ए डेल्टा। अगेन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिटरमाइंड नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
देन वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू, दैट इज द पॉइजन रेशियो, एंड इट रिलेशन होल्ड्स वेरी गुड फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 kg/3 kg. कम सम ऑफ द लीनियर इलास्टिक रिलेशनशिप दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, हम लोगों ने देख चुका है. फिर डेल्टा, डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्ट्रेन इक्वल टू निकाला है, तो आप न्यूमेरिकली डेल्टा इक्वल टू निकालिए, स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपन कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल नट इधर आ जाएगा और सिग्मा की जगह एफ अपन ए नट, ये क्या हो गया चेंज इन लेंथ इन टर्म्स ऑफ न्यू. यदि ये पॉइजन रेशियो आप कंसीडर करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल में हम लोग ये लेटरल स्ट्रेन को कंसीडर नहीं करते हैं, बट यदि कंसीडर करते हैं न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा कि यू हैव टू कंसीडर द लेटरल स्ट्रेन, देन यू हैव टू टेक म्यू हियर. उसी तरह से टोर्सन इक्वेशन के लिए आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं, हाउ मच इट हैज बीन ट्विस्टेड. कम टू द रेसिडुअल स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस प्रेजेंट इन द मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल लोडिंग और कंस्ट्रेंट्स. जनरली यह जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बाय द वे इंटरनली कुछ स्ट्रेस रिड्यूस रह जाता है, देयर आर मेनी मोर रेसिड्यूअल स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस, बट यदि स्ट्रेस रिलीव कर दिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्ट्रेस रह गया तो दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल स्ट्रेस. रेसिड्यूअल स्ट्रेस कैन बी माइक्रो स्केल और माइक्रो एंड कैन बी डिलीटेरियस और बेनिफिशियल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट. हमेशा ये हानिकारक ही नहीं होता है, कई जगह इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स. रेसिड्यूअल स्ट्रेस मे हैव मल्टीपल ओरिजिन्स, वी हैव ऑलरेडी नोटेड रेसिड्यूअल स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफिनीशन ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर, दैट इज द इम्पैक्ट प्रॉपर्टी. इम्पैक्ट लोडिंग के लिए ऑलरेडी रेसिड्यूअल स्ट्रेस हम लोग मटेरियल में जानबूझ करके छोड़ते हैं, कई जगह ये हानिकारक होता है, लेकिन इम्पैक्ट लोड जहाँ लगता है वहाँ पे ये लाभदायक होता है. ये माइक्रो और माइक्रो लेवल पे दोनों पे हो सकता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ज़्यादातर रेसिड्यूअल स्ट्रेस हम लोग छोड़ते हैं. कम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस क्राइटेरिया फॉर एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट और कंपोनेंट इज नॉर्मली सम मैक्सिमम स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन विच मस्ट नॉट बी एक्सीडेड, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट और मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस. दैट मीन्स किसी मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड आप नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा लोड लगाएंगे तो बेसिकली वो टूट जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज डिजाइन प्रोसीजर प्रोडक्शन मेथड इट इज वी टेक ए वेरी मिनिमम वैल्यू फॉर द वर्किंग कंडीशन. जैसे बाइक पे आप को परमिट किया जाता है कि दो व्यक्ति ही चढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार चार पांच पूरी फैमिली चढ़ जाती है फिर भी बाइक खराब नहीं होता है, क्यों, देयर इज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके लिए दो बताया गया है बट पांच की स्ट्रेंथ वहां दी गई है, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मैक्सिमम स्ट्रेस अपन अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस, दैट मीन्स कि पांच लोग उसमें बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बैठने के लिए अलाउेबल कितना है, दो लोग, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 2.5. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली वन से ऊपर ही लेते हैं, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग जनरली लेते हैं. ध्यान रखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे जैसे इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ द मटेरियल उतना ही. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे मटेरियल और प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. अभी हम लोगों ने देखा है कि डक्टिलिटी क्या होता है, देन इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म इन टू द शेप ऑफ वायर. इलास्टिक डिफॉर्मेशन अभी हम लोग देख लिए कि यदि स्ट्रेस आप लगाएंगे फोर्स लगाएंगे तो इट विल डिफॉर्म, दैट मीन्स स्ट्रेस इंक्रीजेज देन स्ट्रेन विल आल्सो इंक्रीज अप टू सम लिमिट. वंस यू रिमूव द अप्लाइड फोर्स इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. इफ इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप देन इट गोज टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन.
इलास्टिक प्लास्टिक हार्डनेस ये सब हम लोग देख चुके हैं। अभी पॉइजन रेशियो हम लोगों ने देखा है, प्रोपोर्शनल लिमिट देखा है, लिमिट अप टू विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज द हुक्स लॉ, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, यील्डिंग, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट सी द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम टू मेक योर